सात गुण चाहिए, है ना। मैं पवित्रता का, पवित्र स्वरूप था, शांत स्वरूप था, आनंद स्वरूप था, सुख स्वरूप था, ज्ञान स्वरूप था, शक्ति स्वरूप था, संतुष्ट आत्मा था। ठीक है, ये एक एक गुण अपने आपको याद दे, मांगने वाला नहीं संतुष्ट आत्मा हो। तो एक एक गुण अपने आप को याद रहिए, मेरे पास थे लेकिन अभी नहीं, अभी लेने जाना है। हाँ, मैं कौन, फिर मेरा रूप, फिर मेरे गुण, मेरे सात गुण थे। मैं पवित्र था, परम धाम से जब पवित्र था ना, सत्य पर आया, शांत था, काम को क्रोध तो था ही नहीं क्यों, परम धाम से शिव बाबा का बच्चा हूं, सुख स्वरूप था, मैंने भरपूर सुख दुख भोगने नहीं आया था, सुख स्वरूप था, आनंद स्वरूप था, और शक्ति स्वरूप था, सर्वशक्ति थे, अष्ट शक्तियां थी, सहन करने की, समाने की, और गुण सर्वशक्तियां भी थी, ज्ञान भी था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और संतुष्ट आत्मा था, मांगने वाला नहीं। अब हमारे एक संस्कार है, ये मोबाइल बहुत अच्छा है, ये बैच बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा, मांगने की इच्छा हो गई, मांगना इच्छा अपवित्रता है। संतुष्टता आत्मा का नंबर वन गुण है, सब गुणों का राजा है, और आनंद स्वरूप आत्मा, ये सात गुण याद रखना चाहिए। एक एक गुण मुझे याद दिलाओ, मेरे गुण कौन से थे, चौथा मेरे कर्म, मैं क्या कर्म करता हूं, चौथा मेरे कर्म, मैं आत्मा, ड्राइवर कार चलाता है, मैं आत्मा इस प्रकृति में बैठा हूं, देखना है तो आंखों से इधर उधर देखता हूं, योग में बैठे हो, कौन आया कौन गया, योग कर रहे हो कि वॉचमैन का काम कर रहे हो, योग करने बैठे, कोई आया इधर देखा, कोई गया इधर देख रहा, एकाग्रता है, ध्यान है। तब बाबा ने कहा डिटैच, रिलैक्स, और शरीरी हो जाओ, शरीर को यूज नहीं करो, आदत है कि इधर देखना उधर देखना, मुख से बोलना, तो शरीर का यूज नहीं करो, अशरीरी कैसे बनो, पढ़ाओ अपने को, अभी मुझे आधा घंटा आंखों से इधर इधर हिलना नहीं, कुछ भी होना दो, आंखें हिलाऊंगा नहीं, अचल, अड़ो, स्थिर, एक जगह देखते बनो, स्थित प्रज्ञ का।